सबसे ज्यादा लोग कौन सा पिलो यूज करते हैं, तो आंसर आएगा फाइबर पिलो। जब आप मार्केट के अंदर फाइबर पिलो परचेस करने जाते हैं तो आपको दूसरा एक माइक्रो फाइबर पिलो भी देखने को मिलता है। तब कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पिलो परचेस करें, नॉर्मल फाइबर पिलो परचेस करें या तो फिर माइक्रो फाइबर पिलो परचेस करें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल जो फाइबर पिलो आते हैं और माइक्रो फाइबर पिलो आते हैं उसके अंदर बेसिकली कौन सा डिफरेंस है, कौन सा पिलो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। होम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों पिलो रखे हैं, ये वाला जो पिलो है ये नॉर्मल फाइबर पिलो है और यहाँ पे जो ये पिलो हमने रखा है ये है माइक्रो फाइबर का बना हुआ पिलो। तो हम पहले पिलो को कट करेंगे और देखेंगे कि इसका फाइबर कैसा है, बाद में बात करेंगे कि इसका डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम फाइबर पिलो को कट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर से इस तरीके का मटेरियल निकला है, यह है फाइबर, इस तरीके का मटेरियल है। इसको हम यहां पे रखते हैं। अब माइक्रो फाइबर पिलो जो यहां पे रखा है उसको हम कट करेंगे। इसके अंदर से जो मटेरियल निकला है वो इस तरीके का है। दोस्तों वैसे देखें तो दोनों जो मटेरियल है, दोनों जो फाइबर है वो पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर ही है दोनों। वैसे देखें तो सिंथेटिक फाइबर यानी कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, प्लास्टिक जैसा ही मटेरियल है दोनों का मटेरियल। ये जो नॉर्मल फाइबर है इस तरीके का जो मटेरियल, इसका जो सोर्स होता है वो देखें तो इस तरीके की जो प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह आते हैं, प्लास्टिक के कप वगैरह आते हैं, इसको रिसाइकल करके इस तरीके का प्रोडक्ट आमतौर पे बनाया जाता है, जो पिलो आपको मार्केट के अंदर चीप कॉस्टिंग के अंदर मिल जाता है। यही रीजन है दोस्तों कि फाइबर पिलो जो नॉर्मल आते हैं वो चीप कॉस्टिंग के अंदर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 150 रुपीज से ये स्टार्ट होते हैं, आमतौर पे 150 रुपीज 400 500 के आसपास की कॉस्टिंग में ये मिल जाते हैं नॉर्मल फाइबर पिलो। और ये जो माइक्रो फाइबर वाला मटेरियल आप जो देख रहे हो ये हाईली स्मूथ मटेरियल है, इसको टच करते ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये जो मटेरियल हाईली स्मूथ है, जो नेचुरल कॉटन आता है, इस तरीके का इसका फील लग रहा है और इसका जो फील है ऑलमोस्ट आपने डोन पिलो जो मार्केट में आते हैं, जो बर्ड के फेदर होते हैं उसमें से पिलो जो बनता है, फेदर पिलो जिसको कहते हैं, इस तरीके का उसके सिमिलर मटेरियल इसका लग रहा है ये माइक्रो फाइबर का। तो इस तरीके का ये माइक्रो फाइबर मटेरियल है और ये फाइबर मटेरियल है। दोनों पिलो के अंदर अगर डिफरेंस देखें तो इसका जो फील है वो बाउंसी फील और सॉफ्टनेस वाला लग्जरियस फील होगा माइक्रो फाइबर पिलो का। और जब आप नॉर्मल फाइबर पिलो देखेंगे तो इसका जो फील है वो आपको शुरू शुरू में बाउंसीनेस वाला सॉफ्टनेस वाला लगेगा, मगर आफ्टर यूज 3 to 4 months के बाद इसका जो बाउंस बैक है वो चला जाता है, इतना ज़्यादा बाउंस बैक रहता नहीं है। और इस पिलो के अंदर, माइक्रो फाइबर पिलो के अंदर जो बाउंस बैक है, इसका जो सॉफ्टनेस है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। ऑलमोस्ट अगर दोनों पिलो की लाइफ देखें तो ऑलमोस्ट 2 years की लाइफ रहती है। आफ्टर 2 years हो सकता है आपको पिलो को रिप्लेस करना पड़े, चाहे आप फाइबर पिलो ले रहे हो चाहे आप माइक्रो फाइबर पिलो ले रहे हो, क्योंकि फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके की है कि आफ्टर 2 to 3 years ये जो मटेरियल है वो थोड़ा स्टिफी हो जाएगा, तो आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है आफ्टर 2 to 3 years। दोस्तों फाइबर का जो फील है वो आपको थोड़ा रफ लगेगा, इसके अंदर जो एयर सर्कुलेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू माइक्रो फाइबर। माइक्रो फाइबर का जो फील है वो स्मूथ है, तो इसके अंदर से एयर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा। एयर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होने के कारण इसके अंदर फंगस बैक्टीरिया वगैरह ईजीली जनरेट नहीं हो गए एज कम्पेयर टू फाइबर। तो अगर दोनों की कंपेयर करें लग्जरियसनेस वाइज, तो लग्जरियसनेस अगर आपको पसंद है, आपको सॉफ्टनेस और बाउंस बैक वाला फील पसंद है, तो माइक्रो फाइबर पिलो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको स्टिफी फील पसंद है, इतना ज़्यादा बाउंस बैक या लग्जरियसनेस इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको पिलो यूज़ करना है, तो आपके लिए फाइबर पिलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है। दोस्तों वैसे देखें तो माइक्रो फाइबर पिलो और फाइबर पिलो दोनों वॉशेबल पिलो है, आप इसको इजी टू वॉश कर सकते हो, मशीन वॉश भी कर सकते हो, मगर माइक्रो फाइबर पिलो आफ्टर वॉश जल्दी ये सूख जाएगा एज कम्पेयर टू फाइबर पिलो, इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आप इन दोनों को वॉश कर सकते हो।
दोस्तों अब दोनों की कंपेयर करें तो जब आप माइक्रोफाइबर पिलो के ऊपर सोते हो और जब पसीना आता है तो इसको ये इजीली सोक कर लेता है, ये ज़्यादा मॉइस्चर को सोक करता है और ब्रीदेबल रहता है ताकि इसके अंदर एयर सर्कुलेशन भी बेटर हो और मॉइस्चर वगैरह इश्यू इसके अंदर ना आए। और ये जो नॉर्मल फाइबर पिलो है ये मॉइस्चर को कम कैच करता है तो इसके अंदर गर्मी का इश्यू ज़्यादा रहेगा। तो इसका मैं आपको वाटर टेस्ट करके बताता हूँ। दोनों हमने दोनों ग्लास में सिमिलर पानी लिया है और ये वाला है ये माइक्रोफाइबर है, ये नॉर्मल फाइबर है। अब देखेंगे ये वाला जो मटेरियल है माइक्रोफाइबर वो ज्यादा पानी सोक करेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल फाइबर। दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ तक पानी था और कम सोक किया है और यहाँ पे देखिए ज़्यादा पानी सोक किया है। तो दोनों में आप इजीली डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि माइक्रोफाइबर है वो ज़्यादा वाटर को मॉइस्चर को कैच करेगा तो जब आप इसके ऊपर सोते हो अपना हेड रख के अगर गर्मी वगैरह होता है तो वो इसको इजीली सोक कर लेगा और ज़्यादा ब्रीदेबल है। तो दोस्तों वाटर डेमो के थ्रू हम इजीली कह सकते हैं कि माइक्रोफाइबर है वो मॉइस्चर को ज़्यादा कैच करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फाइबर। तो दोस्तों अगर लास्ट में देखें माइक्रोफाइबर वर्सेस नॉर्मल फाइबर तो माइक्रोफाइबर पिलो है वो सबसे ज़्यादा बेटर हो गए एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो फाइबर आते हैं उसकी कंपैरिजन में। हो सकता है कि इसका जो कॉस्टिंग है माइक्रोफाइबर का वो नॉर्मल फाइबर की कंपैरिजन में डबल हो, ऑलमोस्ट इसका जो कॉस्टिंग मार्केट के अंदर होगा वो ऑलमोस्ट 800 to 2000-3000 या उससे भी ज़्यादा कॉस्टिंग के माइक्रोफाइबर पिलो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। और ये वाले जो पिलो आते हैं नॉर्मल फाइबर के वो चीप रेट में आपको मिल जाते हैं, मगर पिलो के साथ हम ऑलमोस्ट साल के अंदर 3000 आवर्स हम इसके ऊपर बिताते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा माइक्रोफाइबर पिलो। दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इन दोनों पिलो के बारे में तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।